Is that? Yes, ma'am. Rocky's KGF. ओके सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू एटीट्यूड स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बिट मनी सर्टिफिकेट को इम्पोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप बिल्कुल भी आसानी से इम्पोर्ट कर सकते हो। अगर आपको इम्पोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। ओके सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके सो वीडियो एडिट करने के लिए देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप ना दो फोन को इम्पोर्ट कर लेना, जो भी फोन सब है वो एक ग्रुप के अंदर होगा। ओके तो यहाँ पे दोनों फोन को इम्पोर्ट कर लेना, एक है लेमन मिल्क वर्ल्ड टेलिक। ओके तो इसको इम्पोर्ट कर लेना। एंड जो दूसरा पोर्ट है वो है हमारा मेट सोल मैच, ऐसे कुछ ब्रश है। तो इन दोनों फोन को आप इम्पोर्ट कर लेना, लिंक आपको ऑल मटेरियल्स वाले में मिल जाएगा। एंड उसके बाद फिर यहाँ से बैक आ जाना और गैस आपको यहाँ पे आगे जाना है। ओके तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको क्या करना है तो ध्यान से देखो, इधर तो फोन इंपोर्ट कर लेना बस, मतलब लगा लेना मतलब टेक्स्ट में। उसके बाद फिर आपको सिंपली यहाँ पे आना है और ये जो डबल बीट मार वाला लेयर है जगह है ना, इसको छोड़ देना है एंड यहाँ पे आ जाना है। ओके एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जो भी फोल्डर में आपका फोटो है। ओके तो यहाँ पे हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड गाइस इस फोटो को ऐड कर लेंगे। कोई एक फोटो को ऊपर रोड पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया करेंगे, इस वाला एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करेंगे, फिर से प्लस पे क्लिक करके दूसरा फोटो को ऐड करेंगे और यहाँ पे थ्री रोड पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया करेंगे और फिर यहाँ पे डबल बिट मारा था यहाँ पे हम छोड़ देंगे इस वाले, मतलब यहाँ पे गैप छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 13:24 पे। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, कोई और फोटो को ऐड करेंगे। ओके एंड फिर इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करेंगे एंड फिर से कोई और फोटो को, दूसरा फोटो को यहाँ पे आगे ऐड कर, यहाँ पे कोई और दूसरा फोटो को हम ऐड कर लेंगे। ओके तो इस बार हमारा फोटो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखो हमने फोटो तो ऐड कर लिया है बट यहाँ पे मैंने दो गैप छोड़ा है। ओके तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको आगे चले आना है। ओके यहाँ पे एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और कोई दो एक्स्ट्रा फोटो को ऐड कर लेना। ओके जैसे कि एक फोटो ये है, यहाँ पे ऐड करके नॉर्मली कहीं पर भी इसको ट्रिम कर सकते हो, कितनों भी लेन रख के बस छोटा सा लेन रख लेना। फिर दूसरा फोटो को आपको ऐड कर लेना है। ओके दो एक्स्ट्रा फोटो को, अब गाइस क्या करना है आपको, इस वाले फोटो पे आना है, यहाँ पे जो आपका फोटो रहेगा इस पे आ जाना है एंड शेयर के आइकन पे क्लिक करके करेंट फ्रेम एज पेंजिंग को सिलेक्ट करके इस पोर्ट पे क्लिक कर देना। ओके एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना, इस वाले आइकन पे क्लिक करके एंड फिर इस फोटो को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद अगले वाले फोटो पे जाना एंड इसके साथ मतलब इस पे भी जाके आपको शेयर के आइकन पे क्लिक करके करेंट फ्रेम एज पेंजिंग में एक्सपोर्ट कर लेना। ओके फिर यहाँ पे सेव कर लेना इस प्रकार से एंड इस फोटो को भी डिलीट कर देना। ओके अब इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड से फिर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिख जाएगा, आपको इस ग्रुप पे क्लिक करना है, सॉरी गाइस ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है इस डब्बे पे एंड यहाँ पे कॉपी लेयर कर लेना है। फिर यहाँ से बैक आ जाना है एंड बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और आगे जाना है और जो हमारा यहाँ पे डबल बिटमार्क वाला पहला लेयर यहाँ पे जगह है। ओके तो यहाँ पे हम सिंपली 6:18 पे यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने बिटमार्क के हिसाब से। फिर इसके अंदर जाएंगे ग्रुप वन, मतलब जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टैक्स पे क्लिक करना है और जो हमने अभी दो फोटो को क्रॉप करके सेव किया वो हमारा अलाइट मोशन फोल्डर में आ जाएगा। उसमें से कोई एक फोटो को हम ऐड कर लेंगे, मतलब फोटो सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे एंड नीचे जो लेयर है इसमें भी हम वही करेंगे। ओके और वही सेम फोटो को हम ऐड कर लेंगे। ओके क्रोपेट हमारा फोटो रहेगा तो इस बात का आप ध्यान रखना और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट दिख जाता है, इसको आप एडिट कर सकते हो। ओके जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे आसिफ टेक लिखा हुआ था, मैं इसमें सिर्फ आसिफ लिख देता हूँ। ओके इस बात आपको लिख देना, ये ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा और इसमें फॉन्ट ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो इसमें वही फॉन्ट है लेमन मिल्क जो है बोल्ड जो भी है, सो इस प्रकार से लग जाएगा। फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ओके तो इस प्रकार से देख लेना, तो इस प्रकार से लग जाएगा। ओके एंड फिर इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आगे जाना है और जो आगे जो एक और जगह है, ओके यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है
और सेम वही करना है इसके साथ भी। ओके मतलब इसमें भी आपको सेम वही करना है, इसमें भी वही दोनों लेयर को सिलेक्ट करके अपनी फोटो को इसमें ऐड कर लेना है एंड उसके बाद जो नीचे टेक्स्ट रहेगा उसको एडिट कर देना है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ओके जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैंने उधर आसिफ लिखा था तो इधर मैं टेक लिख देता हूँ इसको हटा के। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से कर लेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ से हम बैक आ जाएंगे एंड बैक आने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से हम बैक आएंगे फिर से सेकंड फेयर प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे इमेज के पास जाएंगे और ये जो आपको इमेज दिख रहा है ना दो सेकंड पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ना कॉपी लेयर आपको कर लेना है। ओके कॉपी लेयर करना है, फिर बैक आना है, बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है और आपको आगे जाना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा फोटो है ना ये ग्रुप को छोड़ देना है। ओके यहाँ पे जो फोटो है आपका पहला फोटो यहाँ पे 9 सेकंड पे, तो सिंपली आपको इसी फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है पेस्ट स्टाइल के साइड में, यहाँ पे एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके कलर क्वांटिटी करना है एंड पेस्ट कर देना है। ओके पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हो साइज को अपने हिसाब से देख लेना, बाकी सब ये सही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको एक फोटो को छोड़ देना है और ये जो ग्रुप है इसको भी छोड़ देना है और यहाँ पे 14 सेकंड पे आ जाना है और यहाँ पे जो फोटो है ना इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करके इस बार आपको डायरेक्ट पेस्ट स्टाइल कर देना है। ओके सॉरी गाइस आपको पेस्ट स्टाइल डायरेक्ट नहीं करना है बल्कि कलर क्वांटिटी करके पेस्ट करना है, तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर ये कुछ इस प्रकार से होता है ना आपको मतलब क्या करना है, मोबाइल ट्रांसफर पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको इधर स्लाइड करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा मतलब बीच में एडजस्ट कर लेना। ओके इस प्रकार से आप कर सकते हो अगर नहीं होता है तो। ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हो गया है। फिर यहाँ से आपको बैक आना है एंड सेकंड फेट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और आगे जाना है और जो सेकंड नंबर का फोटो है इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो है 3 सेकंड में लास्ट का फोटो इस पर क्लिक करके फेट पे क्लिक करके सी डॉट पे क्लिक करके कॉपी फेट कर लेना है एंड बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पे आगे जाना है और आगे जाने के बाद जो बचा हुआ फोटो है ना यहाँ पे एक 10 सेकंड पे है, इसमें आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है एंड फिर से आगे जाना है और यहाँ पे एक 15 सेकंड पे इसमें भी आपको पेस्ट कर देना है। ओके एंड इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ से बैक आना है एंड सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है और दोनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर करना है और बैक आके बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। शुरू में आके आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है। ओके फिर आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है, फिर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और इस वाले आइकन पे सिंपली आपको क्लिक करके इसका जो लेंथ है वो लास्ट तक लेके आ जाना है। ओके तो वैसे इतना कर लोगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपने वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। ओके तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।